वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप अपने हेडफोन लगा लीजिए और पूरे ध्यान से आपको इस वीडियो को सुनना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा ये है जो अपनी आदतों के गुलाम है, क्योंकि जो इंसान अपनी आदत का गुलाम है वो कभी भी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकता। वो एक सर्कल में ही घूमता रहेगा, क्योंकि जो उसने सीखा है, जो उसने अपने दिमाग में भर लिया है, वो इंसान अपने दिमाग के हिसाब से ही चलेगा। इंसान 8-9 साल के बाद उसकी मेमोरी भरने लगती है और जो भी वो अपने आसपास देखता है वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर कोई इंसान स्टार्टिंग से ही वेरियनास करता है और गलत फिल्मों को देखता है तो उसके दिमाग में 95% जो थॉट आएंगे पूरे दिन में वो वीरियनाज के ही आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन यही सोचता रहेगा कि मैं किस तरह से नई मूवीज देखूं, क्योंकि पुरानी मूवीज तो अब मजा नहीं आता पुरानी मूवीज में, तो मैं नई मूवीज कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से मैं नई उल्टी सीधी मूवीज देखूँ और दोबारा से मैं वीरियनाज करूँ। अब ये समझिए कि पुरानी जो मूवीज उसको देखनी है वो देखने के पीछे मकसद क्या है, सिर्फ वीरियनाज करना। और वीरियनाज करते टाइम वो 5 से 10 सेकंड में उसको बहुत मजा आता है, तो दिमाग बार बार उसको रिकॉल करता है उस मजे के लिए। मान लीजिए आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपको एक खाना बहुत अच्छा लगा, तो आपको बार बार आपका दिमाग कहेगा कि दोबारा आप उसी रेस्टोरेंट पर जाने का दिल करेगा आपका, और बार बार आपको वो खाना खाने का दिल करेगा। लेकिन ऐसे ही आप अगर इस चीज को समझ लें कि हाँ, मेरा दिमाग मुझे चला रहा है, मैं अपने दिमाग को नहीं चला रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं अपने दिमाग के। तो जैसे आपका दिमाग कह रहा है आप वैसे ही कर रहे हैं, आप जरा भी नहीं सोच रहे कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। जिस दिन भी आपने अपनी बुरी आदतों पर क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया कि ये मैं जो कर रहा हूँ इससे मुझे क्या नुकसान होगा, फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचने लग गए, अब फ्यूचर के बारे में भी सोचने का मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहे, मतलब फ्यूचर के बारे में नुकसान के बारे में सोचो कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीरियनाज कंटिन्यूसली करते हैं, सबसे पहला नुकसान मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, आपकी जो दिमाग है वो कमजोर हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी आपकी। आपके सामने प्रॉब्लम छोटी, अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी आएगी आपको वो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी पहाड़ की तरह दिखेगी। तो सबसे पहले आपकी जो दिमाग की जो शक्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, आप जो भी कुछ खाएंगे वो आपका ऐसे ही बर्बाद होगा, आपकी बॉडी में ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप एनर्जी निकाल रहे हैं, आप वीरियनाज कर रहे हैं, वीर्य बहा रहे हैं ऐसे, जिस वीर्य से आप नया जीवन बना सकते हैं। जब शादी होती है, इंसान बच्चे पैदा करता है वीर्य से, तो आप ये सोचिए कि उस वीर्य में कितनी पावर है कि उस वीर्य की वजह से आप दूसरी जिंदगी को पैदा करते हैं। सोचिए, अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना तो आप ये सारी चीजें छोड़ना शुरू कर दोगे। दूसरा नुकसान ये है। अब तीसरे नुकसान की मैं बात करता हूँ। तीसरा नुकसान ये है कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। आप बुढ़ापे से 50 साल होने से पहले ही आप बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं। आपके सर के जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, आपकी शक्ल बद से बदतर हो जाती है और चेहरे पे मुहासे, फुंसियां, उल्टी सीधी चीजें आपके चेहरे पे होनी शुरू हो जाती है और चमक तो बिल्कुल गायब हो जाती है। तो क्या आप चाहते हैं कि इस 2 मिनट के खोखले मजे के लिए आप बुढ़ापे से पहले ही मरना चाहोगे, या आप अपनी हालत ऐसे करना चाहोगे कि आपके पास कोई बैठना भी पसंद ना करे? देखो, जवानी में इंसान का खून गर्म होता है, तो उस टाइम पे इंसान को कुछ भी पता नहीं रहता, ना महसूस होता है, ना कमजोरी महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 30+ जैसे ही आप होंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। आपको पता है कि अगर आप वीरियनाज कंटिन्यूसली करते हैं तो आपकी हाइट भी रुक जाती है, बहुत सारी चीजों में आपको मतलब नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से ही चैलेंज लें कि मैं 10 दिन तक बिल्कुल भी वीरियनाज नहीं करूंगा। आप 1 साल का चैलेंज ना लें, आप कुछ कम का चैलेंज लें, कम दिनों का चैलेंज लें। पहले 3 दिन का लें, फिर 4 दिन का लें। अगर बीच में वीरियनाज हो भी जाता है तो पछतावा ना करें, ऐसा टेंशन में ना रहे यार ये हो गया, ये क्या करूं मैं, अब तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। गिरेंगे फिर खड़े होंगे, गिरेंगे फिर खड़े होंगे, ऐसे होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप ये, अगर आपको गंदे विचार भी आएंगे ना, तो आप एक तरफ खड़े होकर उनको देखते रहेंगे, यार चल मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आता हूँ। तो आज से चैलेंज लें कि मैं 10 दिन तक वीरियनाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दोस्तों,
और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो पे दोबारा आना और मुझे बताना कि हाँ, मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया था, मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर दुगनी हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में इसी चैनल पर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।